अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। मणिपुर में अपराधियों को उदाहरण मिलक सजा देना होगा, अपराधियों को उदाहरण मिलक सजा देना होगा। इंकलाब महिला बच्चों पर मरते अपराधों पर रोक लगाओ, महिला बच्चों पर मरते अपराधों पर रोक लगाओ, मणिपुर में शांति बहाल करो, मणिपुर में शांति बहाल करो। सजा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। मणिपुर इंसाफ के पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। मणिपुर इंसाफ पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मणिपुर इंसाफ के दोषियों को दान मुंह सजा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज तो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। के दोषियों को दान सजा देनी हो। करना बंद करो, 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 हिंसा रोक सकती थी, पर सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार तुरंत मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा पर तुरंत रोक लगाने के लिए तुरंत ठोस कदम। बताएं क्या मामला लेकर आज आपका कलेक्टर कार्यालय आए? जो भी मणिपुर में जो घटना घटी है वो बहुत ही शर्मनाक घटना है, जो कि लड़कियों पे जो ये घटना घट रही है महिलाओं पे, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदी और घटिया हरकत है जो भी है। तो हमारी यही अपील है कलेक्टर साहब से और बाकी सरकार से, गवर्नमेंट सरकार से, कि जो है उन जो भी पापी जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। हमें तो यह लगता है कि हमारे हिसाब से तो उन्हें फांसी दी जाए। आपका नाम? सोना यादव, नारी शक्ति जिंदाबाद। बताएं आज किस मामले को लेकर आप कलेक्टर कार्यालय आए? ये हम सभी लोग जानते हैं, अभी मणिपुर में जो लगातार घटनाएं हम लोगों के सामने आ रही हैं, पिछले 2 से 2.5 महीने से लगातार मणिपुर पूरा का पूरा एक तरीके से अगर हम बोले तो जल रहा है। वहाँ पर अभी जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिस तरीके की वहाँ पर घटनाएँ आ रही हैं, महिलाओं की जो घटना हम लोगों के सामने अभी आई है उसको लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो घटनाएँ हम लोग देख रहे हैं कि जो 2 महिलाएँ हैं उनको निर्वस्त्र करके पूरे शहर के अंदर घुमाया जा रहा है, हज़ारों लोगों की भीड़ उनके पीछे चल रही है। और ये इस तरीके की घटना है कि पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। जहाँ एक तरफ हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे देश को हम विश्व गुरु बनाने की ओर जा रहे हैं, वहीं पर एक तरफ देख रहे हैं कि एक देश के कोने में महिलाओं के साथ में किस तरीके की घटनाएँ घट रही हैं, आपराधिक घटनाएँ घट रही हैं। इन पर सरकार रोक लगाए, और रोक ना लगाएं बल्कि सख्त से सख्त कानून बनाएं, और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं इन दोषियों को उदाहरण मूलक सजा देने की हम लोग मांग करते हैं। हम लोग देख रहे हैं अभी तक ना तो केंद्र सरकार का कोई वहाँ पर कोई जवाब आया है, ना ही वहाँ की जो राज्य सरकार भाजपा की बैठी है, दोनों की तरफ से 2 महीने से पूरा मणिपुर जल रहा है, लेकिन कोई भी सरकार ने वहाँ पर जाकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बल्कि हमारे देश में हम लोग देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति हैं वो एक महिला हैं, एक आदिवासी हैं, जिन महिलाओं के साथ वहाँ पर घटना घटी वो भी आदिवासी है। अगर देखा जाए तो एक महिला के नाते ही हमारे राष्ट्रपति को वहाँ पर तुरंत जाकर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए था, जिससे कि वहाँ से कम शांति बहाल हो जाए और वहाँ पर इस तरीके की घटना नहीं घटे। इस मांग को लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन दिया। आपका नाम? मेरा नाम विनोद प्रजापति, छात्र संगठन EIDS। बताएं क्या मामला लेकर आज आप कलेक्टर कार्यालय आए? जैसे कि विदित है, 2 महीने से हमारे भारत देश में मणिपुर में काफ़ी दिनों से वहाँ पे घटनाएं घट रही हैं, और कुछ वीडियो वगैरह के माध्यम से हमको पता चला है कि महिलाओं के साथ बहुत कुकृत्य और बर्बरता की जा रही है। और मणिपुर जहाँ देखा जाए कि आदिवासी बाहुल्य है, भारत हमारा देश है, पर उस बाहुल्य उस राज्य से एक सौतेला व्यवहार यहाँ के सरकार कर रही है, और वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हमारी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं,
राष्ट्रपति खुद हमारे आदिवासी हैं, पर वहाँ पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इसलिए हम राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करते हैं कि तुरंत वहाँ पर एक्शन लें और राष्ट्रपति शासन लगाएं। आपका नाम? प्रीतम सिंह बामनिया, जयश।